अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर है, और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक। हाईलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हम भी आ जाए भाई साहब। क्या करा दिया आपने? यार मैं तो पता ही क्या, मैं आई एम प्राउड ऑफ अजहर अली के अजहर अली हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरता है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। कैप्टनसी कैप्टनसी और पे है, ओवरऑल बंदा ही कैप्टनसी में है। और अब तो बैटिंग में भी जो मुझे एक्सपेक्टेशन है वो उसी के मुताबिक परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन मैं मुझे एक शेर याद आ गया, यानी उन लोगों के लिए जो भाई ये समझते हैं कि अजहर अली पहली दफा 2015 में कैप्टन बने थे वर्ल्ड कप डिजास्टर के बाद, तो जो लोग ये समझते हैं कि भाई 5 साल में वो ग्रूम कर गए होंगे, एक्सपीरियंस हो गए कैप्टन, अब बेहतर कैप्टनसी कर सकते हैं, उनके लिए एक शेर है। अमानत अली खान साहब की गजल है, उसका शेर है, ओके। क्या गिला हम सफर, क्या राह बदलने का गिला हम सफरों से, जिस राह से भी चले तेरे ही दरो बाम आए। यानी अजहर वाह, अली साहब बहुत चाहे तगड़े। पहले टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हो, चाहे 1000वें टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हो, उन्होंने रिजल्ट वही देना है जो वो पहले टेस्ट मैच में दे रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और दूसरी बात, अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज से इख्तलाफ करूंगा और शदीद इख्तलाफ करूंगा आपकी बात से। उसने जो करना है अपने घर में जाके करे, हमें ना दिखाए, हमें ना बताया भाई। वो आगे क्या मतलब, एक बंदा 300 रन एक दिन खा लिए, वो भी अपनी गलतियों की वजह से। उसके हंस रहे हैं जब ड्रेसिंग रूम की तरफ जाए तो भाई, कोई क्रिकेटिंग सेंस हो तुम्हारे पास? तुम्हें पता हो कि तुमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जाया कर दी। अपनी फील्ड प्लेसमेंट उसे आती नहीं करनी बॉलर्स, उसे बॉलर्स रोटेशन नहीं आती। 100 रन अगर आप किसी बॉलर को कहेंगे एक दिन में, वो एक्सेप्ट कर देगा? कभी भी नहीं करेगा। उसको आप प्रॉपर रेस्ट देते हो, उसकी रिस्ट है भाई। 3 हफ्ते में 3 टेस्ट खेल चुका है वो, तीसरा टेस्ट शुरू कर दिया उसने। 11-12 ओवर में बॉलिंग कराने आ गया था। तो आप उसको कम से कम इस तरह तो रेस्ट दें। शान मसूद को यूज करें, अपने आप को यूज करें, सचिन को यूज करें, फवाद आलम को यूज करें। जरूरी नहीं दो दो तीन तीन ओवर कराएं, एक एक ओवर दो दो ओवर के स्पेल कराएं, 10-12 ओवर उनसे निकलवाएं। बैट्समैन को उसके माइंड में ये होता है कि जब वो सेट हो जाता है ना, तो हर बॉल पे हिट करता हाँ हाँ बिल्कुल। है। यही हमने दोनों टेस्ट में, हमारी वीकनेस है कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। कुछ पता ही नहीं था उसको कि किस तरीके से टीम को चलानी है। 11 लड़कों में से 7 मैच विनर होने चाहिए, 6 या 7 मैच विनर होने चाहिए। अब वो मैच विनर इस तरह नहीं होते कि वो आए और हर दफा 200 रन बना, हाँ वो एक मोमेंट, वो 1 सेकंड। में अभी सुबह देख रहा था डेविड वार्नर को, बंगुआ ने जो 2017 की सीरीज थी, उसमें से वो रन आउट जो था ना, वो मैच टर्निंग। हाँ आप एक मोमेंट के लिए, 10 सेकंड के लिए अगर स्विच ऑन होकर आउट कर दो ना किसी को, आप बदल गए। आपने दूसरे पहले टेस्ट मैच में 4 रन आउट के प्लेयर चांसेस मिस किए, वो 10 सेकंड का स्पेल देना, वो आपका मैच तब्दील कर देगा। भाई पता नहीं बाहर कप्तानी मैं के हिसाब से आपको तो जी बताऊं, ये मैं यहाँ पर कप्तानी के साथ साथ जो है ना, जो मैं दूसरा कसूरवार गर्दानता हूँ इस सारी सिचुएशन में, इंग्लैंड को रैप अप ना कर देने वाली सिचुएशन में, वकार यूनुस से सब किए धरे का जो है ना जिम्मेदार है। वजह के अपनी अना की खातिर, अपनी पसंद नापसंद की खातिर, ये वकार यूनुस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये हमेशा यंगस्टर्स को बलि का बकरा बनाता है, और ये कह के यंगस्टर्स को टीम में लाता है कि मैं इनको डेवलप करूंगा। डेवलपमेंट आपके सामने है, जो डेवलपमेंट शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की हो रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये शाहीन आफरीदी और नसीम शाह 3 टेस्ट मजीद खेल गए वकार यूनुस के अंडर में, और इन कंडीशंस में खेल गए जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में। 2 टेस्ट तो वहां खेल लिए ऑस्ट्रेलिया में, 3 इंग्लैंड में, 5 हो गए। ये मजीद 4-5 टेस्ट ऐसे ग्राउंड्स पे खेल गए ना, इनका कैरियर खत्म हो जाएगा एज ए टेस्ट प्लेयर, ओके क्योंकि सर, इनको विकेट लेनी आएगी नहीं। ये उसी को ही रोते रहेंगे। कल किसी ने बड़ी अच्छी पोस्ट लगाई हुई थी कि 10 अचीवमेंट्स ऑफ नसीम शाह, और 10 की 10 में लिखा हुआ था
ही इज 16 ईयर्स ओल्ड, तो किस बुनियाद पे आप जो है उनको टेस्ट मैच खिला के और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंग्लैंड जैसी सीजन टीम, ठीक है उनकी बैटिंग जो है वो टेस्ट स्टैंडर्ड की नहीं है, लेकिन टेस्ट स्टैंडर्ड की ना होने के बावजूद अगर आप आउट नहीं कर पा रहे तो ये तो आपके बॉलर्स की और वीकनेस है। पाकिस्तान बैडली मिसिंग एक्सपीरियंस ऑफ सुहेल खान एंड जुनेद खान, बिलखसूस जुनेद खान मिडिल ओवर्स में जिस तरह जान मारकर हेयर एंड देयर एक आध विकेट निकाल के, और कुछ भी हो जाए, मौसम कैसा हो, सिचुएशन कैसी हो, दुबई और यूएई की जो विकटों पे जो बंदा जान मार के और 70-80 आउट कर सकता है और उन विकटों पे उसके 5-5 विकेट फॉल हैं, वो इन सिचुएशन में जहां पर कुछ भी हो जाए, चाहे विकेट इंग्लैंड में कितनी फ्लैट हो, बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ होता है अगर वो अपना माइंड यूज करके बॉलिंग करे। आपने जब से वकार यूनुस रिजीम आई है, वकार यूनुस रिजीम ने इन बासलाहियत बॉलर्स को सिर्फ इस ड्रामे के चक्कर में कि जी मैं यंगस्टर्स को तैयार कर रहा हूं, तो भाई तैयारी आप इंटरनेशनल सर्किट में लाके करोगे, उनको टेस्ट मैच खिला के तैयार करोगे? इस तरह तो आप एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में मेरा ख्याल है नीचे 8वें नंबर पे ही फिनिश करेंगे, क्योंकि जब आप आउट नहीं करेंगे तो टेस्ट मैच कैसे जीतेंगे? ओके तो इंग्लैंड जो है वो फर्स्ट आवर में सोच के आया था। असल में देखिए हमारे पास प्लान नहीं था, गेम प्लान होता है ना, एक गेम प्लान बना के आना अंदर से प्रेसिंग रूम से। जब इंग्लैंड ने एक मैच अभी जो कुछ दिन पहले ही जो पाकिस्तान हारा है 2 हफ्ते पहले, वो इसलिए हारा था कि इंग्लैंड सोच के आया था कि रन बनाने हैं 2 हफ्ते पहले। उन्होंने यही सेम एप्लीकेशन की कि यासिर शाह को अटैक करना है जब भी आए, और उन्होंने ऐसी बॉल्स पे जिसको वो डॉट होते थे उन्होंने दो दो रन बनाए, एक एक दो दो रन बनाए। शुरू के एक आर में ही पता चल गया था जब वो 4 से रन बना रहे थे कि बॉल को पुराना करना है। मैंने कल ट्वीट भी की थी, बॉल को पुराना करना है और बॉल को पुराना करने के साथ साथ बॉलर के कॉन्फिडेंस से भी खेलना। इनमें से कोई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला हुआ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते इसलिए है कि आपको अपनी लेंथ का पता चल जाए। बैट्समैन जब रन बनाने के मूड में हो उसको किस तरह रन बनाने से रोकना है और किस तरीके से मैच को विकेट लेने की तरफ यानी इस तरफ लेके जाना है कि बैट्समैन खुद आउट हो। बिल्कुल। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के सेकंड सेशन में जमीन पे हाफ वे ट्रैक पे गेंदे करा करा के ड्राई अप किए थे रन्स, तो तीसरे सेशन में वेस्ट इंडीज की टीम आउट हो गई थी, रन नहीं बना पाई थी, विकेट पे खड़े रहते लेकिन रन नहीं बना पाते। रन है सब कुछ। इस वक्त पाकिस्तान जो पहले दिन की सिचुएशन है उसमें मैं 99% कह रहा हूँ पाकिस्तान टेस्ट मैच हार जाएगा। क्यों हारेगा? क्योंकि आप पहली इनिंग में मर मरा के अगर आप इंग्लैंड अगर 400, 450 बना के देता है, आप जितनी भी कोशिश कर लें आप मैच जीतने की पोजीशन में आ ही नहीं सकते। ये 324, ये 332, ये 280 होने चाहिए थे अगर 4 ही विकेट। सिर्फ बॉलिंग प्लान होना चाहिए था। यासिर शाह और नसीम शाह विकटें लेते हैं लेकिन रन भी देते हैं। आपको विकेट रोक, आपको रन रोकने वाले सिचुएशन के बॉलर चाहिए थे, आपको एक कंसिस्टेंट लेंथ वाले बॉलर चाहिए थे। सिलेक्शन डायलेमा इसलिए कहूंगा, नसीम शाह 17 साल 16 साल 12 साल का भी होना, विकेट लेने का हुनर और रन रोकने का हुनर टेस्ट मैच जिताते भाई कोई भी फॉर्मेट जितवा रहे। इसीलिए मैंने अभी जो सुहेल खान और जुनेद खान वाली बात की ना कि भाई टेस्ट मैच क्रिकेट इज ए टोटली डिफरेंट क्रिकेट। उसमें आप जो है सामने वाले को इस बुनियाद पे इम्प्रेस करके आउट नहीं कर सकते कि हमने बच्चा खिला दिया है और ये बहुत तेज है। और पाकिस्तान ये इस तरह के डायलेमास जो है वो भुगतता आया है। पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया गया है हमेशा पाकिस्तान को यही प्रॉब्लम हुई है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान पिछले 15 साल में 4 दफा वकार यूनुस के शर का शिकार हुआ है। जब भी वकार यूनुस साहब सेटअप में घुसते हैं वो हमेशा ही अपनी गिदड़ सिंगी ले आते हैं कि मैं नए बॉलर बनाऊंगा। ओ भाई नए बॉलर तुम्हें बनाने का शौक है तो जाओ एकेडमी में कोचिंग करो, वहां तैयार करो नए बॉलर। तुम इंटरनेशनल क्रिकेट में ला के फास्ट बॉलर बनाने की ड्रामेबाजियां करते हो, सीरीज पे सीरीज हारते रहते हो और उसके बाद कहते हो जी हमने बहुत कुछ सीखा है इससे। तो लास्ट हमारी कन्वर्सेशन में मैंने ये कहा था ना, वकार यूनुस नीचे लेवल पे काम कर ही नहीं सकता।
उसकी ईगो इतनी हाई, और वो ईगो हाई होने का जुमला मैं इधर दोबारा इस्तेमाल करूंगा कि वो ऐसे बॉलर जो थोड़े से सेट हैं, जैसे जुनैद खान सेट बॉलर है, उसको पता है अपने आप का लिमिट्स पता है, विकेट कैसे लेनी है पता है, सोहेल खान एजेड है, अब्बास नया है इसलिए चल रहा है, अगर वो जरा सा भी पुराना होता ना 30-35 साल का होता वो विकेट 30-35 टेस्ट मैचेस खेल चुका होता और थोड़ी सी उसकी ईगो होती, अभी तो उसको घुसना है किसी तरह की, वो यसमैन बनना हुआ होगा मुझे अंदाजा है। इस तरह के प्लेयर्स जो अपने आप को जानते हैं, जैसे पाकिस्तान में जो बेचारा उधर तापिस खान डोमेस्टिक में रगड़ रहा था अपने आप को, उसे 500 से ज्यादा विकेटें ली हुई है उसने, तो अगर आप उन लोगों को आने का मौका इसलिए नहीं दे रहे तो उनको ये अपने मतलब से नहीं चला सकता, उनको उनको उनके मतलब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल इसीलिए वकार यूनुस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो चार दफा जो एक दफा अजहर महमूद और चार दफा जो इन्होंने पिछले 10 साल में पाकिस्तानी बॉलिंग के साथ किया, मैं एक प्रोग्राम ये टेस्ट सीरीज खत्म हो जाए T20 खत्म हो जाए मैं एक स्टैट का प्रोग्राम करने वाला हूँ इंशाल्लाह आपके साथ, जिसमें मैं पाकिस्तान के 1995 से लेके 2020 तक जितने बॉलर्स ने डेब्यू किया है और जितने बॉलर्स ने जितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिनका रोशन मुस्तकबिल कहा जा रहा था, न्यूजीलैंड जा रहे हैं विकेट ले रहे हैं और साउथ अफ्रीका जा रहे हैं विकेट ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं विकेट तो वहाँ लेते नहीं है, इंग्लैंड जा रहे हैं विकेट ले रहे हैं, तो वहाँ वो मैं बताऊंगा आपको, आपको वही शेयर करूंगा वो पूरा पेज कि आपको किस तरीके से अगर ज्यादा बॉलर मिल रहे हो ना तो आपको कदर नहीं होती, किस तरीके से आपने जाया किए हैं अपने प्रीमियर जो तकरीबन आपको 50-50 से कम टेस्ट मैच खेले पाकिस्तानी लेजेंड राशिद लतीफ, मोइन खान, शोएब अख्तर, इन सब ने 50-50 से कम टेस्ट मैचेस खेले, और ये यही तरीका था। 95 इसलिए बोल रहा हूँ कि शोएब अख्तर का डेब्यू उसके बाद हुआ, उसके बाद देखिएगा आप टेस्ट मैचेस की क्वांटिटी क्या है, बहरहाल ये अलग अलग टॉपिक है इंशाल्लाह इस पे करेंगे, बहरहाल कोई चांसेस हैं तो मुझे बताएं क्या हो सकता है। भाई मैं तो मुझे तो जो है अगर इंग्लैंड ने 450 प्लस कर लिया जिसके बड़े इम्कान है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी टीम दबी हुई है और जिस तरह हमारे बॉलर्स इस वक्त अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आज मुझे लगता है वो एक आध घंटा गुजारने के बाद वो इंग्लैंड अब वो ड्राइविंग सीट में, अब वो एक आध विकेट से गिरेगी, पीछे क्रिस वोक्स को आना है, वो क्रिस वोक्स को कहेंगे कि जी आप वनडे मोड में खेलो, बिल्कुल उसका नतीजा ये हो सकता है कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा लंच तक या एक घंटा बाद लंच तक 500 रन कंसीड कर चुका होगा, 500 रन पाकिस्तान को कंसीड हो गए तो इनिंग डिफीट पक्की है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट इस वक्त जो है ना चार बैट्समैनों से खेल रहा है, असद शफीक और अजहर अली को आप माइनस कर दें, और विकेट का अगर बिहेवियर ऐसा ही रहा तो शायद अशद शफी कुछ रन बना लें, लेकिन अजहर अली को तो आप माइनस कर दें, पाकिस्तान डेफिनेटली जो है ना बैट्समैन शॉर्ट है, और अशद शफी पाकिस्तान तीन प्लेसेस पे शॉर्ट है, इस 11 में तीन प्लेसेस पे शॉर्ट है पाकिस्तान, मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, कैप्टन नहीं है पाकिस्तानी टीम में, एक ऐसा थिंकिंग वो नहीं है बाकी 10 में कि वो उसको जाके थोड़ी बहुत हेल्प कर सके या उसको बता सके कि किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा ऑल्टर करो चेंजेस को, और तीसरा बैट्समैन जो एक बैट्समैन होता है ना जो जिसने विकेट नहीं देनी होती अपनी, शान मसूद तो अभी अर्ली स्टेज अर्ली क्या वो भी 5 साल से खेल रहा है क्रिकेट, लेकिन एक बैट्समैन जो कप्तान भी हो और कप्तानी होने के साथ साथ बैट्समैन वाले जिम्मेदारी भी निभा, बिल्कुल तीन चीजें कम है वहाँ, और उसका हमें खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, 10 साल में पहली सीरीज हम इंग्लैंड से हार, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है। अब इसी तरह आप जो है आपके पास जो बैटिंग रिसोर्सेज हैं, असद शफीक तो शायद चूंकि विकेट अगर इसी तरह खेलेगी तो शायद वो अपने हिस्से के 50-60 रन बना के और अपनी जगह अगले टूर के लिए पक्की कर लें, लेकिन अजहर अली का जो टेक्निक प्रॉब्लम है मुझे नहीं लगता वो इस विकेट पे भी कुछ कर पाएंगे, और बाकी इधर एक चीज मैं बता दूं, मैं अभी दिमाग में मेरे फौरन आया कि ये जो आइसोलेट करना होता है ना कप्तान को, ये इन्होंने सरफराज के साथ भी किया था, क्यों किया था आपने देखा होगा मैचेस में बहुत ही कम होता था कि कोई जाके बात करता था सरफराज से, शोएब मलिक के अलावा, शोएब मलिक को मैंने बहुत देखा है उसके बाद, या उससे बात करता था, सरफराज अगर किसी से मशवरा लेना भी चाहता था ऑन द फील्ड तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई जाए और जाए उसके पास जाके उससे बात करे कि यार हो सकता है ये चीज गलती, इसी वजह से जब साउथ अफ्रीका में जो केस हुआ था इसीलिए टीम से वापस इसको भेज दिया गया था, अगर कोई और प्लेयर होता ना उसको वहीं पे कैरी ऑन करता,
बुक्स थी उनकी, बुक्स थी कि इसको आइसोलेट कर दो, इसको टीम से बिल्कुल अलग कर दो, इसका इन्फ्लुएंस खत्म कर दो, बिल्कुल ये बुक्स थी और कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही यही ये चीज पाकिस्तान के लाइक कर रही है। अगर आप देखेंगे जब रन पड़ रहे थे और बॉलिंग चेंजेस का मौका था, अजहर के पास कोई जवाब नहीं था, ना अजहर बॉलर के पास जा रहा था, ना कोई चार से छह प्लेयर खड़े हुए थे साथ मिलके ड्रिंक्स ब्रेक में कोई चीज कुछ इनोवेटिव कुछ बता दे। कीपर हमारा रिजवान अभी बिल्कुल खामोश सभी है, पीछे ही खड़ा रहता, वो तो आवाज भी नहीं लगती उसकी से तरह। तो अगर कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है टीम में, एक होते हैं, एक होता है कैप्टन जिसका नाम कैप्टन होता है जो टीम में एज अ कैप्टन, एक होता है टीम में कैप्टन, टीम में कैप्टन नहीं है हमारा, बिल्कुल यार मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं जाता हूँ बॉलर को सुन रहा हूँ। एक बॉलर, एक एक्सपीरियंस बॉलर जाएगा एक जवान बॉलर के पास तो उसका डिफरेंस अलग होगा, एक बैट्समैन जाएगा तो क्या समझाएगा, बिल्कुल क्या करना है क्या नहीं करना। पाकिस्तान को बहुत लैक करनी है चीज़ें, हमने बहुत अहम सितारा जो है ना जिसको स्टार स्टार बन जाना चाहिए था तक, हमने वो जाया कर दिया। अब उसे अब उसे मौका दिया दूसरे तीसरे टेस्ट मैच है उसका, वो पाकिस्तानी टीम में कोर बन सकता था पाकिस्तानी टीम, उसको हमने जाया कर दिया। वो एक ऐसा लड़का था जो रन भी बना रहा था और थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लेता था, ये जो 56 के हिसाब से रन बनाया ना उसने 10 सालों में एवरेज से, वो जिम्मेदारी ली होगी टीम की, बिल्कुल कि यार आउट हो रहे हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूँ रन बनाऊँ। डोमेस्टिक मजाक नहीं है, हम डोमेस्टिक को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, मिसबा डोमेस्टिक से आए लेकिन वो बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक मजाक नहीं है। उस्मान सलाउद्दीन एक टेस्ट मैच खेल के चला गया, साद अली एक टेस्ट मैच खेल के, टेस्ट मैच वनडे खेल के, मेरा वनडे खेल के चला, हमने सबको जाया कर दिया। किस लिए जाया कर दिया कि यार मेरे दोस्त खेल लें वीजे लगे घूम घूम के आ जाते हैं। मैं तो इस वक्त इसलिए ज्यादा तब हूँ कि आप हारे मतलब कोई मसला नहीं, आप हारे लेकिन मैनर ऑफ डिफीट बहुत मैटर करता है मेरे मेरे भाई। मेरे तो कम तपने या ना तपने की वजह यह है कि अल्लाह का आजकल मुझ पर खास करम हुआ है कि कल जिस टाइम तकरीबन कोई 50-60 रन की पार्टनरशिप लगी थी बटलर की और क्रॉली की, तो उसी टाइम मैंने कहा कि भाई ये 127 को जो है ना 327 तो करा ही देगा, आज ही आज करा देगा अजहर अली। और मैं चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक जगह बारबेक्यू पार्टी का इन्विटेशन था, मैं वहां चला गया, मैंने आराम से वहां बारबेक्यू पार्टी इंजॉय की, उस इवेंट की कवरेज की, अरे हम आराम से अपनी एक यूट्यूब वीडियो बनाई। और जब मैंने रात में आके चेक किया तो वो 332 रन बन चुके थे, तो इसलिए मुझे इतना गुस्सा नहीं कि मैंने अपना टाइम जाया नहीं किया इनके राइट काम हो गए। खैर चांसेस तो मुझे लगता है बहुत मिनिमम है, जीतना तो बहुत दूर की बात है। हाँ वो हो गया तो आप जो है कि ड्रॉ की तरफ शायद देख वो जो आपने अपने फेसबुक पेज पे वो पोल डाला हुआ था नो नेवर नेवर एवर, तो वो सही चांसेस यही है भाई, हम क्या कर सकते हैं, चांसेस यही यही होगा। आपके पास वो नहीं है ना यार जीतने का कोई मतलब, होता है ना कि आपको सुबह उठो और लगे कि कुछ यार आज का दिन कुछ अच्छा होगा या कुछ नहीं होगा, आपको पता है कि यार कुछ नहीं होगा तो इसीलिए आप ठंडे बैठ जाए मस्त माहौल से, वो क्या कहते हैं मस्त माहौल से मीठे चौल, मीठे चौल वही वाली बात। चलने मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह अगली वीडियो, आज क्या है सर होता है शाम में फिर आगे मुलाकात। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोनों चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन जो है भाई दबाने के लिए होता है उसको दबा दें, और अपने कमेंट्स भी दें। और अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।